दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अभी कुछ समय पहले ही हमने चाय के ऊपर वीडियो बनाई तो लोग धड़ल्ले से कमेंट बॉक्स में पूछने लगे क्या आप चाय पीते हैं, और आपके उन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने एक खास वीडियो बनाई है। क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सुबह की कड़कड़ाती धूप में हमें एक तरफ तपाती है तो दूसरी तरफ रोशनी देती है, तो वहीं शाम की ठंडक हमें सुकून तो देती है लेकिन साथ ही साथ अंधेरे का भी एहसास कराती है। ठीक उसी तरह चाय जितनी ही अच्छी है उतनी खराब है, और आज हम इन दोनों ही चीजों के बारे में आपको बताएंगे कि चाय के फायदे और नुकसान क्या है, खाली पेट चाय पीने से क्या होता है, और हमें दिन भर में कितनी चाय पीनी चाहिए। बस मेरे साथ यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों चाय एक ऐसी चीज जिसके बिना तो कुछ लोगों की जिंदगी मानो बेकार सी है। अगर उन्हें चाय न मिले तो सिर में भयानक दर्द होता है, दिन भर चिड़चिड़ापन महसूस होता है, सुबह होते ही उन्हें चाय की चुस्की लेनी होती है वरना उनके दिन की शुरुआत ही नहीं होती। ऐसे में हम आपको बता दें कि चाय बहुत ही प्यारी चीज है, इतनी अच्छी है कि आप सोच भी नहीं सकते, बशर्ते उसमें दूध ना मिलाया जाए। जी हाँ, जो दूध वाली चाय आप पीते हैं वो चाय नहीं, जहर की तरह काम करती है, और ये कैसे होता है ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि चाय पीने का दुनिया में जो तरीका है जो सबसे बेहतर है, और जापान और चाइना के लोगों को वो तरीका बखूबी पता है, यहाँ तक कि जापान में तो चाय का फेस्टिवल भी मनाया जाता है। तो असल मायनों में चाय वो होती है जो हमें फायदा पहुँचाती है, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करती है, हमें कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया से बचाकर रखती है। क्योंकि इस तरह की चाय के अंदर दालचीनी, नींबू, शहद और चाय पत्ती मिलाकर इसे अच्छी तरह पकाया जाता है, और फिर जो चाय बनती है आहाहा, पूछो ही मत, ये चाय बिल्कुल अमृत की तरह काम करती है। लेकिन अगर आपने उसी चाय के अंदर दूध मिला दिया तो सारा काम खराब हो जाता है। भारत में जो 80% लोग गैस की बीमारी से जूझ रहे हैं उनके पीछे का कारण कहीं ना कहीं चाय ही है, क्योंकि लोग खुद को दूध वाली चाय पीने से रोक नहीं पाते। एक सर्वे में पाया गया कि भारत में 40% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो दिन में 2 बार से ज्यादा पानी की 4 से 5 बार चाय की पीते हैं, और ये वही लोग हैं जिनमें से 90% लोगों को पेट और अलग अलग तरह की बीमारियां अपनी चपेट में ले लेती हैं। जबकि वो लोग जो दिन भर में 1 या 2 कप चाय ही पीते हैं वो काफी हद तक बीमारियों से बचे रहते हैं। क्योंकि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि इंसान को चाय नहीं पीनी चाहिए, हर इंसान को चाय पीनी चाहिए, अरे चाय को तो हमारे देश की नेशनल ड्रिंक बना देना चाहिए, लेकिन हर एक चीज लिमिट में पीनी चाहिए। अब जैसे ही हमने आपको बताया कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कई तरह की बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, साथ ही चाय हमारे स्ट्रेस और सर दर्द को ठीक करती है, सर्दी जुकाम वगैरह में चाय काफी फायदा पहुंचाती है। लेकिन ये सब कुछ तभी होता है जब आप चाय को लिमिट में पिए और बिना दूध की चाय पिए। बिना दूध वाली चाय तो आप दिन भर में 3-4 बार पी सकते हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसके अंदर मौजूद हर तरह की चीज आपको फायदा ही पहुंचाएगी। लेकिन अगर आप दूध वाली चाय पी रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। दोस्तों दूध वाली चाय किसी लत से कम नहीं होती, जिसके अंदर पहली बात तो दूध होता है और ऊपर से चीनी डाली जाती है, और ये दोनों ही चीजें चाय के साथ अच्छी तरह काम नहीं करती। चीनी को तो स्लो पॉइजन भी कहा जाता है जो धीरे धीरे शरीर में जहर की तरह फैलता है और कई सारी बीमारियों को न्योता देता है। लेकिन अगर आप फिर भी दूध वाली चाय पीना चाहते हैं तो डॉक्टर्स का कहना है कि दिन भर में 1 या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 कप चाय आप पी सकते हैं। इससे ज्यादा चाय आपके लिए सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही करेगी। अगर आप उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते हैं तो दोस्तों इससे कब्ज, एसिडिटी, मछली, यहाँ तक कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। हाँ, हम मानते हैं कि चाय और कॉफी के अंदर कैफीन मौजूद होता है जो सुबह आपको नींद आने से बचाता है, लेकिन अगर आप सबसे पहले चाय या कॉफी पीना शुरू कर देते हैं तो आपके शरीर को उसी की आदत हो जाती है, जिसके बाद शरीर खुद से एक्टिव नहीं हो पाता जब तक उसे चाय नहीं मिलती, और पूरा दिन चिड़चिड़ापन आने लगता है। ऐसे में चाय पीने का सही तरीका है सुबह का नाश्ता कर लें, उसके आधे घंटे बाद ही चाय पिए, क्योंकि कुछ लोग खाने के तुरंत बाद चाय पीना शुरू कर देते हैं, उन्हें लगता है कि उनका पेट नहीं हाई कोर्ट है,
जिसमें जितने ज्यादा केस डालो उतने केस अंदर दबाता चला जाता है। जनाब ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा पेट किसी मशीन से कम नहीं है। मशीन को तो फिर भी आप गलत तरीके से चलाएंगे तो वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगी जितनी जल्दी पेट में उल्टी सीधी चीजें एक साथ डालने से वो खराब हो जाता है। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद चाय तो बिल्कुल मत पीना, ये डायरेक्ट जहर की तरह काम करती है। पहली बात तो ये आपके खाने को पचन ही नहीं देती, जिसकी वजह से खाना सड़ने लगता है और पेट में सड़कर बीमारियां फैलाता है। इसलिए खाना खाने के आधे से एक घंटे बाद ही चाय का सेवन करें, और हमारी माने तो ना ही करें। चाय की जगह आप ग्रीन टी खाने के बाद आधा घंटे बाद ले सकते हैं, जिससे खाना बहुत अच्छे तरीके से पचता है और आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर आप चाय लवर हैं तो दोस्तों सिर्फ एक चीज करना शुरू कर दो, अपनी चाय में दूध और चीनी को हटाकर शहद और दालचीनी नींबू का इस्तेमाल शुरू कर दो। बस आपको गर्म पानी में चाय पत्ती, दालचीनी और हल्का सा शहद डालना है। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो शहद को रहने दीजिए, बाकी चीजें डाल लीजिए, और फिर जब चाय बनकर तैयार हो जाए तो उसमें ऊपर से आधा नींबू निचोड़ लो, और फिर भी अगर मन ना भरे तो हल्का सा सेंधा नमक, जिसे पिंक सॉल्ट भी कहा जाता है, उसे डाल लो। देखिएगा आपकी चाय बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगी, जिसे पीते ही आपको ताजगी महसूस होगी और ये चाय आपको कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। उम्मीद है आपको चाय कब, कैसे और किस तरीके से पीनी है सब कुछ समझ आ गया होगा। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। इसी तरह की वीडियो को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।